नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और देखिए ना, सुबह 5 बजे से पहले की क्लिप है ये। अभी जो है धूप नहीं निकली है, और बाकी धूप की बात अगर कर रहे हैं तो ऐसी बात है कि 7 बजे के आसपास ऐसी धूप हो जाती है ना कि आपको लगेगा दिन का 1-2 बज रहा है। इतनी ज़्यादा धूप लखनऊ में आजकल हो रही है, हर जगह ही शायद हो रही होगी। भाभी भी मेरी इसी तरह बोल रही है कि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम लोग ना छत पे लेटे हुए थे, और सुबह उठते ही ना फ़ोन लेके हम शुरू हो गई। हमसे बोल भी रहे थे मुँह तो धुल लिया करो, उसके बाद सूट किया करो। मगर हमें ये लगता ना कोई भी अच्छी क्लिप है ना तो मिस ना हो जाए, हम आप लोगों को दिखा दें, वीडियो में डालेंगे, अच्छी लगेगी। वीडियो के हिसाब से वो सूट करेगी क्लिप यानी कि। तो देखिए ना, हम लोग जाने वाले हैं, उठते ही हमने ना ये सूट किया हुआ है, और जो है बाहर जाएंगे थोड़ा सा प्रीति को लेके ना। हल्का सा जो उसको रहता है ना कि बाहर जाना है घूमना, हल्का सा बच्चों को लगते ही है। और पहले भी हम आपको ना इस जगह लेके जा चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिएगा, आप लोग जगह को पहचान जाएंगे और काफ़ी अच्छा वीडियो होगा। प्लीज़ जो है कंटिन्यू करिएगा वीडियो को। ये कौन सी रेस हो रही है? तुम लोग अपने दादागिरी से कर रही हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल द बॉन्ड भाई अंजलि गुप्ता पर। और लोग बता रहे हैं प्रीति को जाना है बेचारी को, मगर ऐसा वैसे टाइम पे वो आई है, और शायद इसी वजह से पिछली बार भी नहीं हम इसको बुला रहे थे। वैसे ये हर साल आती थी ना, मगर नहीं बुला रहे थे क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा था। फालतू हंस रहे हैं। कभी कभी हम लोग खुद को देख के एंजॉय कर लेते हैं। एंजॉय करने के लिए कुछ ज्यादा रहता है यानी इस समय। हंसते रहिए। और ये जो बच्चे आप लोग देख रहे हैं ना, आपने इनको पहले भी देखा मेरे वीडियो में, उसमें ना पूजा थी साथ में। और देखिए यहाँ पे धूप कितनी तेज आ रही है, और ना खड़े होकर हम लोगों को काफ़ी देर तक दिखते रहते हैं। जो इनके जो टीचर है ना जो ट्रेन कर रहे हैं, वो भैया बहुत अच्छे हैं सर, यानी कि बहुत अच्छे हैं, और उनसे पूछ के ही हम सूट करते हैं। और देखिए ये हैं सर पीछे खड़े हैं जो दिख रहे हैं आपको, बाकी नौमी और जो प्रीति टहल रही हैं। काटा कैसे, मतलब पूरा बराबर से? अभी जो आपको दिखाया है बच्चे कर रहे हैं, ये आपको एवरीडे करना है। ताइक्वांडो, ताइक्वांडो इसलिए आपको दिखाते हैं, आप सीखिए और करिए। हम करें ना करें, आप लोग करिए। देखिए हम कितना भला सोचते हैं दूसरों का। और देखिए गाने बज रहे हैं, आप लोग डांस कर सकते हैं, भले ही कॉपीराइट मेरी वीडियो पे आ जाए तो आ जाए। नहीं, कॉपीराइट नहीं आने देंगे, आप लोग अपना म्यूजिक बचा के डांस करिए।
क्या, ये भी नया है, ये पत्थर पड़े हुए थे यहाँ पे, नहीं थे पहले, पहले ऐसा नहीं था। अरे तुम तो बहुत टाइम बाद आई हो, हम तो अभी आए ना, 6 महीने पहले आए थे एक बार। हाँ मैं चलो कहाँ, वहाँ क्या जा रही हो बेटा, आ जाओ दीदी, पता नहीं हमारी, चढ़ जाओ चढ़ जाओ, तिरछी है गिरी मुंह पे गिरेंगे जाके, ये ना गोल गोल घूम रहा है, ऐसा लग रहा पथरी है ना। चले माता, नहीं जोर टालना है, नहीं बेटा चलो अब, मेरे को ऐसे करते खड़े होते हैं, ऐसे करते हो जाएंगे दिखाओ, आप आता जगह दो दीदी जगह आता है, मुझे नहीं आता, तुम ही कर रही थी कल घर पे, तुम एक दो पोजा की, हम तो पोजा के सॉरी योगा के पोज मार दो, पोजा के योग मार दो, पूजा के योग कर दो, पूजा दीदी से कही मासी आंखों बात याद कर दे, पोजा के पोजा के, एक इसका पेड़ है बरगद लग रहा है, बरगद नहीं नहीं बरगद नहीं बरगद बरगद वो पिज्जा का है, फ्रेंच फ्राइज का, वो सच में हमें फ्रेंच फ्राइज का देता, हर जगह हम लोग खाने को आ रहे थे, पहले आए तभी खाना खाना, कुआ बन रहा है क्या, डर लग रहा है, मोबाइल कोई खींच रही, हाथ किसी का हाथ आया, मोबाइल घसीट के अंदर चला गया, तो क्या करेंगे, नया ले भी पाएंगे हम लोग, हमारा अभी नया आया है, अब तो ले नहीं पाएंगे, वीडियो छोड़ने पड़ जाएंगे। चलो बहुत टहल लिया, आप लोग घर चलिए, नहाइए धोइए, जीते की प्रीति, उसको हैबिट है ना इन चीजों की, सबसे बड़ी आलसी हूँ मैं, सबसे बड़ी आलसी, इन लोगों ने बस यही किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है, बस यही किया है, पहले नौमी यहाँ पे आइसक्रीम ठेले लगते थे भुट्टे वगैरह के ना, बहुत पहले जब मैं थी चाट बतासा हम लोग खाते थे, और बस यहाँ पे ना हम लोग घर वापस जाने वाले हैं, और देखिए धूप का आलम कितना ज़्यादा हो रहा है, आलम का मतलब देखिए मेरा घूंघट देखिए आप लोग, और ऐसा लगेगा ना कि हम नई नवेली दुल्हन इस तरह से मुंह ढका हुआ है हमने, क्योंकि ना हमें धूप का खौफ है, यानी कि धूप से हमें बॉर्डर लगता है, मेरी ना पित्ती हो जाती है, एलर्जी है हमको धूप से ना इसी वजह से, और हल्की सी भी धूप होती है उससे भी हमको प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी दवाइयाँ भी हमने इसके लिए खाई हुई हैं, यानी कि मेरा ट्रीटमेंट चल चुका है, तब तक तो ठीक रहता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर से वापस से वही दिक्कत हमको हो जाती है, और हमने ना दवाइयाँ लेनी बंद कर दिए हैं, और थोड़ा सा बचाव रखते हैं धूप में कम जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन कुछ और नहीं है मेरे पास, और बच्चों को भूख लग रही है, हम लोगों की वही सब बातें चल रही हैं, घर जाके क्या बनाएंगे क्या खाएंगे, तो वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना और सपोर्ट करते रहिए।